नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। चीन के आसपास के देशों के साथ भारत बढ़ा रहा है सैन्य संबंध। वियतनाम को दिया आकाश मिसाइलों का प्रस्ताव, चीन हुआ सावधान। नहीं रहे ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अकबर हाशमी रफसंजानी, 82 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन। इस्लामी गणराज्य की बुनियाद रखने वाले महत्वपूर्ण शख्स थे रफसंजानी। नेपाल सरकार ने संसद में रखा संविधान संशोधन विधेयक। सरकार ने की मधेशी पार्टियों की मांगों को पूरा करने की कोशिश, विपक्ष ने विधेयक को राष्ट्रहितों के खिलाफ बताया। इसराइल में एक फिलिस्तीनी युवक ने इजरायली सेना के जवान पर चढ़ाया ट्रक, 4 सैनिकों की मौत, 15 से ज्यादा जख्मी, पुलिस ने आतंकी हमला करार दिया। तुर्की में भारी बर्फबारी का कहर, 600 घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द, 10,000 से भी ज्यादा यात्रियों को वापस लौटना पड़ा होटल। चिली के दक्षिणी बायोबायो क्षेत्र में विमान दुर्घटनाग्रस्त, 4 लोगों की मौत, कई जख्मी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। हैती के उत्तरी आर्टिबोनाइट प्रांत में बस और ट्रक में हुई भिड़ंत, 20 लोगों की मौत, कई जख्मी, बचाव कर्मियों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।